मनोज पांडे जुड़ गए हमारे साथ कोलकाता से। तो सबसे पहले अपडेट लेते हैं मुलाकात को लेकर मनोज पांडे से, उसके बाद राजीव रंजन का रुख करेंगे। मनोज, तकरीबन 2 बजे का समय बताया जा रहा है जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे, इस मुलाकात के मायने क्या है मनोज? विपनेश, देखिए जिस मुलाकात के बहुत मायने निकलते हैं और जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की प्रयास कर रही हैं, इसके पहले देखिए अखिलेश यादव मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कोलकाता आए मुलाकात करे, वही जेडीएस के जो नेता है कुमार स्वामी ममता बनर्जी से मुलाकात किए और ममता बनर्जी लगातार प्रयास कर रही है कि सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होता जाए। विपनेश, सबसे बड़ा सवाल उठता है ममता बनर्जी जितनी बीजेपी से उनकी दूरी है उतनी दूरी उनकी कांग्रेस से है, तो क्या नीतीश कुमार का जो आज मुलाकात है क्या एक मंच पे कांग्रेस को साथ में ममता बनर्जी को खड़ा कर पाएंगे? नीतीश कुमार देखे दिल्ली दौरा किए थे और उन्होंने जिस तरह से देखे मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात किए थे, राहुल गांधी से मुलाकात की, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात किए और आज कोलकाता दिल्ली यहां से आ रहे दौरे पे कोलकाता। देखिये, हम दिखाना चाहेंगे कि 99 पे किस तरह पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो सचिवालय है यहीं पे करीबन 2 बजे नीतीश कुमार पहुंचेंगे, उसको लेकर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद कर दिया गया है और ऐसे 99 की सुरक्षा पहले से ही रहा जाता है, यहां पे किसी को जाने नहीं दिया जाता, लेकिन आज नीतीश कुमार आ रहे हैं इसको लेकर बेहद यहां पे देखे निगरानी पुलिस के जवान है, हर किसी पे निगाह रखे हो और नीतीश कुमार की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि ममता बनर्जी लगातार यहां पे रेड रोड पे जब धरने पे बैठी थी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जितनी दूरी बीजेपी से है और कांग्रेस के है, तो नीतीश क्या अब ममता बनर्जी को कांग्रेस के एक मंच पे ला सकते हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। और ममता बनर्जी देखिए अपने एक उनका अलग स्टाइल होता है, ममता बनर्जी खुद ही कहीं ना कहीं विपक्ष को एक करने के लिए सबसे आगे चलने की कोशिश कर रही है, तो अब नीतीश कुमार आज आ रहे हैं, नीतीश कुमार भी विपक्ष की एकजुटता को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए विपनेश, हमेशा कहा जाता है कि दिल्ली का जो रास्ता है, दिल्ली की जो यहां पे सत्ता पे जाने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार से यहां पे तय हुआ करता था, लेकिन पहली बार 2024 में ऐसे देखने को मिलेगा कि दिल्ली का रास्ता बंगाल से तय होगा, क्योंकि देखे यहां पे समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव थे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक उन्होंने कोलकाता में किया और बंगाल की जो 42 सीटें हैं बहुत अहम मार रखती है इस बार 2024 के चुनाव को लेकर। एकमात्र ऐसा ममता बनर्जी है, देखिए हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे बीजेपी पे हमलावार कर रही है और देखिए जिस दिन 2 दिन पहले ईद का मौका था उन्होंने साफ तौर पे संदेश दिया कि मरते अपने यहां जिंदा रहते हुए किसी भी कीमत को देश को बंटने नहीं देंगी और उन्होंने साफ तौर पे देखे अल्प समुदाय के लोगों को कहा कि एकजुट होना है, सभी को यहां पे जागने की जरूरत है। तो आज जो नीतीश का यहां पे बैठक है कितना महत्व है, नीतीश का क्या ये कामयाब हो पाएगा कि कांग्रेस और ममता बनर्जी को एक मंच पे ला सकते, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है जी। ओके, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।